ब्रिटेन के फ्लिंट शहर में एक खून की प्यासी गिलहरी ने आतंक मचा दिया है। गिलहरी गार्डन में सैर करने आए बूढ़े बच्चों और पालतू जानवरों पर हमला कर उन्हें लगातार घायल कर रही थी। उसने पिछले एक हफ्ते में कम से कम 18 लोगों को जख्मी कर दिया। हालांकि 48 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गिलहरी को पकड़ लिया गया है, लेकिन तब तक उसने इलाके में दर्जनों लोगों पर हमला करके उन्हें चोटिल कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक गिलहरी के हमले से दर्जनों स्थानीय लोगों के हाथ में काटने और खरोंचने के निशान भी मौजूद हैं। लोगों ने इस गिलहरी का नाम स्ट्राइप रखा है, जो द ग्रिमलिंस फिल्म के विलेन का नाम है। आपको बता दें कि इस खूंखार गिलहरी को बीते मंगलवार यानी 28 दिसंबर को पकड़ा जा चुका है। बता दें कि 65 साल की कोरियन रेनॉल्ड्स ने एक जाल की मदद से उस गिलहरी को पकड़ा और उसे जानवरों की एक संस्था RSPCA को सौंप दिया। उसे पकड़ते समय गिलहरी ने बुजुर्ग रेनॉल्ड्स के हाथों पर भी काट लिया था। रेनॉल्ड्स ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर गिलहरी के हमलों की कई रिपोर्ट देखने के बाद उसे पकड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि मुझे कल पता चला कि 48 घंटों के अंतराल में उसने 118 लोगों पर हमला कर दिया है। उनका कहना है कि गिलहरी ने उन लोगों को काटा जो रिसाइकिलिंग बैग को कचरे के डब्बे में डाल रहे थे। आपको बता दें कि RSPCA ने पुष्टि की है कि उस गिलहरी को मार दिया गया है क्योंकि उसे वापस जंगल में छोड़ना अवैध होता, क्योंकि वो एक ग्रे गिलहरी थी, इसलिए नियम के तहत इसे छोड़ा नहीं जा सकता था, जबकि लाल गिलहरी से बिल्कुल अलग होती। बताया गया कि ग्रे गिलहरी को पहली बार 1876 में उत्तरी अमेरिका से ब्रिटेन लाया गया था और अब वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट का अनुमान है कि ब्रिटेन में 2.5 मिलियन ग्रे गिलहरी सर्कुलेशन में है। ये गिलहरियां दूसरी प्रजाति के मुकाबले काफी उग्र होती।